सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जर्नी इंडियन एयरफोर्स नेवी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मॉक टेस्ट की जो सीरीज स्टार्ट है उसमें से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके लिए। 1000 के अबव क्वेश्चन लाएंगे और आपके नवंबर तक एग्जाम के लिए डेली एक वीडियो देंगे। सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आएँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट में अपना सुझाव भी दे दीजिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। 12 मॉक टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं, आज हमारा 13 नंबर मॉक टेस्ट है। सो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेमन्स आर सोल्ड द डजन इन द मार्केट। तो बात करें हम कि जो लेमन होते हैं वो सोल्ड किए जाते हैं मार्केट में किसके अनुसार, डजन के अनुसार। और जब कभी भी सोल्ड डजन में होता है तो सोल्ड के साथ हमेशा बाय प्रीपोजिशन यूज होता है, सोल्ड बाय। सो गाइस राइट आंसर हमारा बाय हो जाएगा। अब बात करें इन की, तो इन जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है, इन यूज होता है किसी प्लेस के बारे में बताने के लिए, हमें प्रीपोजिशन इन यूज़ करते हैं। ऐड की बात करें तो मतलब कि किसी फिक्स टाइम या फिक्स कुछ भी अगर फिक्स है तो उसके लिए हम ऐड के लिए, फॉर आप सभी जानते हैं के लिए, और सोल्ड बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ही डज नॉट एनी फिक्स्ड प्रिंसिपल। मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी के प्रिंसिपल के साथ नहीं जा रहा है, मतलब कि गो, मतलब आप सभी देख रहे हो गो सब में लगा है, ठीक है। अब मतलब जो किसी प्रिंसिपल के साथ नहीं है, मतलब किसी के सिद्धांत के साथ नहीं है, तो साथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, पर्सन की बात कर रहा है, विद यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब हम बात करें थ्रू का, मतलब जब थ्रू किसी चीज़ के अंदर, जैसे बात करें कि आपको जैसे जाना है, ये मान लो कि आपको इस जगह से, ये आपका घर है, आपको इस जगह जाना है, और बीच में जो पड़ता है ये पार्क पड़ता है, ठीक है, आपको सीधा जाना है। तो आप जब किसी डायरेक्शन के लिए जाएंगे, जब सीधा जाएंगे, तो आप किससे गुजर के गए, पार्क से गुजर के गए, तो मतलब कि थ्रू द पार्क। ठीक, सो गाइस ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि थ्रू द पार्क। अब बात करें अबाउट की, तो अबाउट मतलब जब होता है, अबाउट का यूज़ जब किया जाता है, जब मतलब कि किसी के बारे में किसी चीज़ को बताना होता है, सो गाइस अबाउट का यूज़ करते हैं। ठीक है, विद को हमने डिस्कस कर दिया। अपॉन जब किसी चीज़ को मोशन में किसी के ऊपर रखा जाता है, किसी में मोशन में, ठीक है। इनटू जैसे आपका होता है रिवर के जंप के साथ इनटू आता है, तो ऐसे अपान मतलब किसी चीज़ को फेंका गया और वो किसी सरफेस को टच करेगी जाके। सो गाइस जब सरफेस को टच करेगी तो मोशन होगी साथ में, और मोशन होगी तो वहाँ हमें अपॉन का यूज़ करना होगा। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर देते हैं आपके साथ। गो विथ टू एग्री, सपूत बता सकते हैं, बस एक फास्टली डिस्कस कर दे। एक्सेप्ट समबडी, गो अबाउट टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, मतलब कि कंटिन्यू रहना। गो थ्रू टू लुक टू एग्जाम समथिंग, मतलब किसी के द्वारा जाना, टू किसी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से लेके, और यहाँ पे पूछ रहा है ए बुक्स अ बुक देयर इज नथिंग इन इट। सो गाइस यहाँ पे नथिंग जो हमारा है निगेटिव। सो गाइस बात करें बिकॉज की, तो बिकॉज हमारा रीजन बताता है, लेकिन यहाँ पे किसी रीजन की बात नहीं कर रहा है कि एक किताब की किताब अपोस्ट्रॉफी एस लगा तो जिसका पोजिशन बता रहा है, तो एक किताब की एक किताब, ऐसा कुछ क्या होता है। सो देयर इज नथिंग इन इट, मतलब कि ये यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। सो गाइस यहाँ पे बात करें जो हमारा राइट आंसर होगा थ्रू, मतलब एल्दफ जब ये एल्दफ आता है हमेशा निगेटिव की बात करता है, और जो एल्दफ निगेटिव की बात करता है यहाँ पे हमारा सेंस नहीं करता है, एल्दफ मतलब यद्यप, ठीक है। सो मतलब कि ये किताब में कुछ नहीं, मतलब कि एक किताब की किताब, और जिसमें मतलब कि यद्यप देयर इज नथिंग। सो गाइस टिल की बात करें, जब टिल की बात करता है तो ये समय की बात करता है, और अनलेस की जब बात करता है कंडीशन की बात करता है, और जब हमारी बिकॉज की बात करता है तो रीजन की बात करता है। सो गाइस आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, हाउ पीपल लिव इन योर हाउस, मतलब कि लोग कैसे अपने घरों में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है पीपल, और पीपल हमारा प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग मैनी आएगा। हाउ मैनी पीपल लिव्स, यहाँ पे अगर लिव्स होता तो यहाँ पे अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल ही सब्जेक्ट होगा, तो हाउ मैनी पीपल। सो गाइस राइट आंसर हमारा सी, ए लॉट ऑफ के साथ जो आपका आता है नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से लेके, और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आई डोंट नो स्टूडेंट इन द क्लास बिकॉज आई एम अ न्यू कमर, मतलब कि मैं नहीं जानता कि स्टूडेंट क्लास में है या नहीं, बिकॉज आई एम अ न्यू कमर, मतलब कि मैं नया आया हूँ। तो सो गाइस यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं,
तो यहाँ पे आई डोंट नो मैनी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट आपने क्या देखा प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग मैनी स्टूडेंट, कितना मैनी स्टूडेंट। सो गाइस हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऑफ यू की बात करें तो ऑफ यू आता है जो आपका काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और जो हमारा ऑफ यू बताता है फ्यू ऑफ यू द फ्यू, तीन कंडीशन होती हैं। आपको लास्ट वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था लिटिल द लिटिल आ लिटिल के बारे में। सो गाइस उसकी उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। सम जो हमारा यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन मच भी हमारा है इसीलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक से, सी स्पीक गुड स्पेनिश बट ओनली रशियन। सो गाइस यहाँ पे बात कर रहा है मतलब कि सी स्पीक गुड स्पेनिश, मतलब कि वह स्पेनिश तो अच्छी बोल सकती बट ओनली रशियन, अ लिटिल रशियन। जब बात करें किसी अनकाउंटेबल नाउन की, जो हमारी लैंग्वेज है वो अनकाउंटेबल है। सो गाइस ऑफ यू की बात करें तो काउंटेबल है, ऑफ काउंटेबल के अकॉर्डिंग में प्लूरल प्लूरल सिंगुलर में बना होता है, लेकिन अनकाउंटेबल जो होती है वो श्योर सिंगुलर ही होती है। सो गाइस यहाँ पे बात करें हम, सी स्पीक्स गुड स्पेनिश बट ओनली अ लिटिल रशियन, मतलब कि हाँ थोड़ी बहुत रशियन भी आती है। आ लिटिल द लिटिल और लिटिल के बारे में हमने कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस किया बहुत अच्छी तरीके से, आप वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से, अगर ये वीडियो आप पूरे वॉच कर लेते हैं सो गाइस आपके 20/20 को नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इट वॉज अ ग्रेट पार्टी, लव्ड इट, तो मतलब कि यह एक ग्रेट पार्टी है और ये किसको लव्ड होगी, एवरीबॉडी प्रत्येक एक को लव्ड होगी। सो गाइस डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री बट आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ। सो गाइस बात करें यहाँ पे जो हमारी टॉपिक है, आर्टिकल से पूछ रहे हैं ऑप्शन। सो गाइस कभी भी सब्जेक्ट की किसी विषय की बात करता है तो हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल हमारा वहाँ पे कुछ भी नहीं आता है। सो गाइस आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, और बाकी तो कुछ ज़्यादा डिस्कस कर नहीं सकते। अगर आपको आर्टिकल का वीडियो देखना है तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आर्टिकल का वीडियो आपको मिल जाएगा। आयशा चेंज ऑन द टेबल मिनट्स एगो, मतलब कि हमने अपनी टेबल को अब साले देखते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो क्या कहते हैं वीडियो कट हो गई थी। सो गाइस देखते हैं हमारा 9th नंबर सेंटेंस, फिर से पढ़ते हैं। आयशा चेंज ऑन द टेबल अ मिनट्स एगो। सो भाई बात करें, आयशा चेंज ऑन द टेबल अ मिनट्स एगो, ठीक है, मतलब कि टेबल में बदलाव हुआ एक मिनट पहले। तो क्या बदलाव हुआ, कुछ बदलाव हुआ, मतलब सम चेंज ऑन द टेबल मिनट्स एगो, कितने मिनट्स एगो, आ मिनट्स एगो। अब मच, मैनी और एनी, मैनी के लिए यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के, मैनी यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल बनाने के लिए, और एनी यूज़ किया जाता है मतलब किसी चीज़ को निगेटिव वगैरह बताने के लिए, और मच आप सभी जानते हैं कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम सेंटेंस बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसा कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि दिस इज लायन डेट आई सा इन द सर्कस यस्टरडे। सो गाइस ये भी क्वेश्चन हमारा है आर्टिकल से, और इसके बारे में बात करते हैं, मतलब कि दिस इज लायन डेट आई सा इन द सर्कस यस्टरडे। सो गाइस आप वीडियो को पॉज करके बताइए कि ये इसमें कौन सा आर्टिकल सही होगा, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे बात करें, ए आप सभी जानते हैं किस लिए यूज किया जाता है, द के लिए, एन के यूज किया, लेकिन हम अगर इतना लिखा होता दिस इज लायन डेट दिस इज लायन तो फिर हम ए आर्टिकल यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रहा है, कि स्पेसिफिक बात कर रहा है, जो उसकी पोटेंशियल बता रहा है कि दिस इज लायन डेट आई सा इन द सर्कस यस्टरडे, मतलब कि ये वो लायन है जिसको मैंने कल सर्कस में देखा था। सो गाइस यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिस चीज़ को हम मतलब कि किसी के बताने से हम जान जाते हैं बस तुरंत समझो आर्टिकल वहाँ पे यूज़ होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई डैश द जॉब इफ़ यू हैड पेड मी इनफ, यदि मतलब कि तुम मुझे मतलब कि इनफ पैसे दोगे तो सब। अब आपसे बात करते हैं, आप सीधा फंडा याद करिए, ठीक है। टेंस में हमको करना क्या होता है, जैसे इधर हैड लिखा है पास्ट परफेक्ट में, सेंटेंस में क्या लिखा, फ्यूचर। सो गाइस यहाँ पे पास्ट के साथ तो फ्यूचर आ नहीं सकता, ठीक। अगर सिंपल पास्ट होता तो वुड हो सकता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड आ नहीं सकता। सो गाइस हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वुड हैव डन द जॉब इफ यू हैड पेड मी इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एज सून एज सी गॉट द टेलीग्राम ही इन अ टैक्सी,
सो गाइज यहाँ पे बात करें एज सून एज ही गॉट द टेलीग्राम। सो गाइज यहाँ पे एज ही गॉट द टेलीग्राम, तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या यूज़ होगी? जो बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वुड हैव टैक्स, यहाँ पे तो वुड हैव का पेयर आपने बताया भी टेंस में हैड होता है। सो गाइज यहाँ पे तो गलत, हैज़ यूज़ नहीं कर सकते पास्ट की, पास्ट परफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ही लेफ्ट इन द टैक्सी। सो गाइस राइट आंसर हमारा बी नंबर। ऐसे आप इलिमिनेट ऑप्शन करते हैं तो आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑप्शन भी आपका सही होगा। सो गाइस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इलिमिनेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ही हैड डिफिकल्टी फाइंडिंग अ पार्किंग प्लेस। अब बात करें प्लेस, तो प्लेस के लिए मैं हज़ार बार आपसे बता चुका हूँ कि प्लेस के लिए हमेशा जो आर्टिकल यूज़ होता है इन यूज़ होता है। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया। सो गाइस यहाँ पे आपको बिना आँख मीच के सीधा आंसर अपना इन मार देना चाहिए और सो गाइस यहाँ से निकल लेना चाहिए। अब डिस्कस इसके बारे में क्या करें, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं चारों ऑप्शन के बारे में। जो ऐसा कोई ऑप्शन होगा जो डिस्कस करने के लिए, वो जरूर डिस्कस करेंगे। दैट कार इज थ्रोइंग ए लॉट ऑफ स्मोक, मतलब कि ये कार जो दे रही थी क्या, लॉट थ्रोइंग मतलब कि फेंक रही थी, ए लॉट ऑफ स्मोक, बहुत ज़्यादा धुआं फेंक रही थी। सो गाइस थ्रोइंग आउट, किसी चीज़ को बाहर कर देना, थ्रोइंग आउट। सो गाइस ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए आप बताया था, आप किसी चीज़ का, जैसे आपका फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स एयर फोर के लिए एसिलेशन अप टिक, और जो आपका नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, जो रिटार्डेशन, ठीक है। सो गाइस आपको आप हमको मैं इंग्लिश ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप हमको एसिलेशन बढ़ने से क्या होता है और एसिलेशन घटने से क्या होता है, सो गाइस हमको जरूर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड इफेक्ट बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। अब यहाँ पर द साउंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर, सो आपको दिख रहा होगा कि हमारा सेंटेंस जो है पैसिव में है। अब साउंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब यूज़ करना पड़ेगा और प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग आर प्रोवाइडेड इज राइट आंसर हो जाएगा, कि बीइंग प्रोवाइडेड रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बीइंग प्रोवाइडेड यहाँ पे कोई एक्शन की बात, ऐसे एक्शन की नहीं बात कर रहा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कभी भी मतलब कि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब की नीड्स होती है, हेल्पिंग वर्ब की नीड्स होती है, तो इस वजह से इसमें हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है। और ये आप देख रहे हैं इसमें एक ओनली थर्ड फॉर्म लगी है। सो गाइस आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पॉटिंग इरर से, आई नो आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट अबाउट हिम। सो गाइस और अगला आंसर डी नंबर, नो इरर। सो गाइस बात करें आई नो मतलब कि मैं जानता हूँ, आई एम नोइंग, कभी भी आप जानते हैं कि नो से जिस चीज़ को फैक्ट होता है, जिस चीज़ को हैबिचुअल एक्शन होती है, जो भी होता है, ये कभी भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। सो गाइस आप इसको याद रखिए कि फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब चीज़ें कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती है। सो गाइस यहाँ पे आईएनजी बैठ जाएगा और यहाँ पे एम भी हट जाएगा, एम लगा तो लगा रहे ना, तो लेकिन आईएनजी नहीं लगेगा। सो गाइस यहाँ पे आईएनजी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। सो गाइस आई एम नो, ठीक है, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर इधर है। यहाँ पे बात करते हैं आ हॉट एंड आ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर्स नो इधर। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आ हॉट एंड आ कोल्ड, सो गाइस आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग लोगों की बात कर रहा है, और दो जब अलग अलग चीज़ों की बात करेगा, पहले तो एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर कर लीजिए, एक में आर्टिकल आया और दूसरे में नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। लेकिन दोनों में आर्टिकल लग गया तो हमारी वर्ब प्लूरल होगी। अगर लेकिन दोनों में आर्टिकल लगा और दोनों का काम एक ही पर्सन के जैसे बोल रहा है कि एक पर्सन है, और मतलब कि उसके बारे में दो चीज़ें विशेषता बताई जा रही हैं, मतलब कि एक पर्सन है, वो में एमडी भी है और ऑनर भी है, सब कुछ भी है। सो गाइस पर्सन तो एक ही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अब यहाँ पे अ हॉट एंड अ कोल्ड मतलब कि गर्मी और सर्दी, दोनों समर की बात कर रहा है, और जो समर की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे वॉज नहीं वर यूज़ होगा, तो वॉज की जगह आप वर लगा दीजिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। सो गाइस आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉटिंग इरर से, आर डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। अब बात करें आर डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई, क्या आपने कभी ये पढ़ा है यू एंड आई, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट की मतलब कि जो हमारा पर्सन है, जब पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कंपेरिजन कर रहा है, तो यू एंड मी होना चाहिए कि यू एंड आई होना चाहिए। जब हम वर्ब के साथ कंपेरिजन करते हैं तब हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपेरिजन करते हैं, जब हमको पता चलता है, लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे ना, ऑब्जेक्ट टू। सो गाइस यहाँ पे मी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको आई होप अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉटिंग इरर से, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क।
अब यहाँ पे बात करें आइदर ऑफ द रोड्स, तो यहाँ पे आइदर हमारा हमने बताया था आइदर नाइदर, अगर इनके इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके बाद प्रीपोजिशन लगता है तो उसके बाद आने वाला नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन आने वाली वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लीड्स होगा ना कि लीड होगा। सो गाइस आपके लिए इधर पता चल गया कि बी पार्ट में इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पोर्टिंग इधर से, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स माई आंट्स एंड माई कजन्स। सो गाइस यहाँ पे हम बात करें इधर की, तो इधर जो है वो ए पार्ट में, आप बोलेंगे कैसे इधर है। सो गाइस हम ऐसे बात करें कि इधर ए पार्ट में इस वजह से है कि यहाँ पे हम किसी टेम्पल को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, किसी टेम्पल को प्रूव नहीं कर पा रहे कि मैं इसी टेम्पल गया था। सो गाइस अगर इसी टेम्पल गया था तो टेम्पल का नाम, टेम्पल का प्लेस कुछ भी आना चाहिए। सो गाइस यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, ठीक, यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो आर्टिकल दा भी नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। तो सो गाइस यहाँ पे इधर जो आएगी ए पार्ट में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्पोर्टिंग इधर से, आई हैव पास द एग्जाम 2 ईयर्स एगो। अब एगो, एगो की बात करें तो एगो किस में होता है, पास्ट, और पास्ट के अकॉर्डिंग हमें का यूज़ करना पड़ेगा, क्या पास्ट हमारा हैव है, हैव हैज़ जो ये होता है ये प्रेजेंट टेंस में होता है। सो गाइस आई हैव पास नहीं, आई पास ओनली, आई पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स एगो, आई पास द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स एगो। सो गाइस क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पोर्टिंग इधर से, नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट आल्सो हैड डिनर आउट, मतलब कि ना कि मैंने फिल्म देखी बट आल्सो डिनर आउट, मतलब कि मैंने डिनर भी किया था। सो गाइस अब यहाँ पे बात करें, हमको सिर्फ सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखना, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, क्योंकि नॉट ओनली इसके अकॉर्डिंग आप देखिए ये नॉट ओनली लिखा है, ठीक, ये बट आल्सो लिखा है। अब बट आल्सो और नॉट ओनली पेयर मिलाइए आप, यहाँ पे जब हमारी वर्ब पहले आ रही तो सो गाइस हमारे पहले वाले भी सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो पहले आएगी। अब यहाँ पे बात करें तो हमारा दे नहीं होगा, दे वेंट टू नहीं होगा, यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा कंजंक्शन, ये नॉट ओनली बट आल्सो पेयर है, अब इसके साथ ये वर्ब ले रहा है एक हेल्पिंग वर्ब, सो गाइस हमको यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। तो पास्ट का जो पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, और पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी पड़ेगी, और पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी डिड। सो गाइस यहाँ पे डिड देखें तो हमारे कौन कौन से सेंटेंस में, पहले और दूसरे में। अब हमने जैसे कि बताया कि बट आल्सो के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आती है, बट आल्सो के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आती है, तो नॉट ओनली के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। और डिड के साथ आप सभी जानते होंगे अच्छी तरीके से कि वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आती है। सो गाइस आई होप आप सभी को क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, मैन अ मैन मैनी अ मैन वुड वेलकम टू अपॉर्चुनिटी, वेलकम द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अ मैनी अ मैन, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे बात करें वुड वेलकम टू द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे जो हमारी इरर होगी मैनी अ मैन, मतलब कि बहुत से मैन में से एक आदमी वुड वेलकम टू अपॉर्चुनिटी, मतलब कि उसको स्वागत के लिए अपॉर्चुनिटी मतलब सौभाग्य मिलता है। सो गाइस यहाँ पे हम बात करें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, तो गाइस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो द ग्रेटर, क्योंकि ऐसे ही आप कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती, सो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही लॉस होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में रिमेंबर ही नहीं हो पाता कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको रटा रटाया रहता है वॉस के साथ ये और हेड के साथ ये। सो गाइस यहाँ से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, होल ग्रामर क्लियर होगी, आपका दिमाग चलेगा, चार ऑप्शन होंगे, आपको पता चलेगा किस प्रकार एलिमिनेट किया जाता है। अब यहाँ पे बात करें द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, अब यहाँ पे हम बात करें कंपेरेटिव डिग्री की, जब कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की जाती लेकिन उसकी जब कंपेरिजन नहीं की जाती, कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की जाती जब कंपेरिजन उसका नहीं होता तो उसके साथ हमेशा आर्टिकल दा लग जाता है। सो गाइस इंप्रूवमेंट तो हमें हायर में करना है, तो हमारा दा हायर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, मतलब कि मैन इज द ओनली एनिमल्स हु कैन टॉक, मतलब कि एक आदमी ऐसा ही एक जानवर है, मतलब कि जो बातों से आदमी एक ऐसा है जो जानवरों से बातें कर सकता है। तो यहाँ पे उसकी पोजीशन की बता रहा है, और पोजीशन के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, आई होप आप सभी जानते होंगे, यहाँ पे हु, ठीक।
सो गाइस यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर हमारा हो जाएगा। सॉरी गाइस यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर नहीं होगा। सो गाइस थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि देखो सॉरी हमने देखा नहीं था, यहाँ कैन आप देख रहे हैं ना, कैंस तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हमने सोचा यार सब्जेक्ट इसमें दिया है हु के बगल में। सो गाइस हु के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट ओनली हु के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट कैन के लिए सब्जेक्ट हमारा ओनली एनिमल बनेगा, द ओनली एनिमल। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे हमने सोचा कि ऑब्जेक्ट है, हु के बगल में हमने सोचा सब्जेक्ट को दिया। सो गाइस यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा। क्यों नो इम्प्रूवमेंट होगा? इसी वजह से नो इम्प्रूवमेंट होगा कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट दिया होता तब हम हुम लगा सकते थे, क्योंकि अब जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम उसमें हुम लगा देते हैं, लेकिन सेंटेंस अनकम्प्लीट होता है तो जो हु के पहले दिया होता है वो हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। सो गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। सो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं एलिमिनेट मेथड से। ही शी सेड व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वाज नॉट अफेयर द कॉस्ट, मतलब कि जब मैं बच्चा था कि जब मैं कॉस्ट नहीं डर सकता था। सो गाइस यहाँ पे बात करें तो ही सेड दैट व्हेन, अब यहाँ पे बात करें हम, देखिए वाज नॉट नॉट गलत, हैड नॉट बीन लेकिन हैड कहाँ से आ सकता है, गलत कि वॉज नॉट अफेयर। अब यहाँ पे हम सेंटेंस देखें जो सेंटेंस होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज नहीं होती, लेकिन हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर होगा, क्योंकि सी सेड द व्हेन ही वॉज चाइल्ड और ये पहले तो हेल्पिंग वर्ब बात आ नहीं सकती। सो गाइस हमारा राइट आंसर वही होगा। सॉरी यार हैड कहाँ से आ सकता है, हैड तो इसमें कहीं भी सेंटेंस में नहीं दिया। सो गाइस हमारा राइट आंसर सी नंबर होगा, सी सेड दैट व्हेन सी वॉज असाइड सी वॉज नॉट अफेयर द कॉस्ट। सो गाइस कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा कभी, सो गाइस गलती सबसे होती है, इग्नोर इट गलती को। सो गाइस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सेड रैना डू यू वांट टू बाय अ हाउस इन नोएडा, अब उसने रैना से क्या किया, पूछा तो हमारा पहला क्वेश्चन तो पहले गलत ऑप्शन मतलब ठीक। ही आस्क्ड रीना, उसके बाद अब यहाँ पे हमको दोबारा सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब में नहीं बनाना है, बी नंबर हमारा गलत हो गया। देख लो डिड अप लगा दिया कंजंक्शन के तुरंत बाद, फिर उसके बाद कंडीशन है तो यहाँ पे पास्ट में दिया है तो हमारा राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। वांटेड यहाँ वांट्स वांट वांट ये क्या दिया सब, इस वजह से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। ही आई सेड टू माय फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे, सो क्वेश्चन उसने किया तो हमने देखा क्या, सब में क्वेश्चन किया गया चारों ऑप्शन में। एलिमिनेट करना सीखेंगे तो आपके और भी ऑप्शन, दैट इफ दो कंजेशन एक साथ नहीं गलत ठीक, उसके बाद जब पास्ट में है तो ये कैन क्यों दिया, कुड होना चाहिए गलत, अब बचे दो ऑप्शन। अब यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे योर डिस्कंटिन्यूटी फॉर वन डे, अब योर डिस्कंटिन्यूटी फॉर वन डे लेकिन यहाँ पे हम आई एक पर्सनल की बात कर रहा और पर्सनल के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, हीज होगा, तो हीज डिस्कंटिन्यूटी फॉर वन डे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्टिव एंड पैसिव वाइज से। वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, मतलब कि वी ऑल नो देयर इज ओनली वन गॉड। सो गाइज यहाँ पे बात करें राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर की बात करें कि वी आर ऑल नोन, सो गाइज अभी डिस्कस करते हैं क्या होगा। इट इसकी बात हमने की नहीं, और पैसिव वाइज में कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ चेंजमेंट किसका, खेल किसका होता है पूरे पैसिव वाइज में, वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ना कोई दूसरा सेंटेंस आके ऐड होता। सो गाइस बी कटा, उसके बाद ये भी नहीं, हैव भी नहीं और वी आर। सो गाइस यहाँ पे बात करें वी आर नो, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इट इज नोन टू अस दैट देयर इज ओनली वन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, अब बात करें ही हमारा सब्जेक्ट तुरंत बन जाएगा तो ही और पीपल इलेक्टेड के अकॉर्डिंग वॉज, तो हमारा ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। सो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग का क्या रिस्पॉन्स मिलता है। सो गाइस आगे हम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बचे, लेकिन उनको आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज थोड़ा प्रॉब्लम है।